इजी पे खाता, इजी पे खाता, इजी पे खाता, क्या है ये इजी पे खाता, क्या क्या मिलेगा आपको इसमें, कैसे एक्टिवेट करेंगे, आज के इस वीडियो में यही सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत सारा लोग हम लोगों को कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं इजी पे खाता के रिगार्डिंग। तो आज के इस वीडियो में ए टू जेड डिटेल्स आपको इजी पे खाता के बारे में हम लोग देंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग गए हुए थे दिल्ली, जो कि यहाँ पर इजी पे का 5th फाउंडेशन डे था, उसी में हम लोग जाए हुए थे। तो आज के इस वीडियो में आपको इजी पे खाता का पूरा इंफॉर्मेशन ए टू जेड जितना सारा कुछ है सभी कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। सो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें। जितने सारे लोग अभी तक इजी पे के साथ नहीं जुड़े हैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इजी पे को ट्राई करके देख सकते हैं। इजी पे का रिटेलर आईडी फ्री में ले सकते हैं और इजी पे का डिस्ट्रीब्यूटर आईडी हम लोगों के पास से आप 499 रुपीज में ले सकते हैं और अनलिमिटेड फ्री में रिटेलर्स बना सकते हैं। तो देखिए इजी पे खाता यहाँ पर कई तरीके का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, कई तरीके का चीजें इसमें देखने को मिल जाता है। टोटल हम लोग आज के इस वीडियो में इजी पे खाता के ऊपर में 7 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। 7 ऐसे पॉइंट आपको बताएंगे जो कि इजी पे खाता के बारे में आपका सारा डाउट, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। सो इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखते रहिए, सारा कुछ मैं आपको एक एक करके बताता जाऊंगा। तो सबसे पहला एक नंबर पॉइंट, यहाँ पर ये इजी पे खाता, ये अकाउंट यस बैंक के साथ टाई अप होकर के बनता है और ये एक बैंक अकाउंट है। इसमें आपका जितना भी पैसा रहेगा वो आपका इजी पे वॉलेट में नहीं, यहाँ पर इजी पे खाता में रहेगा, मतलब एक बैंक अकाउंट में रहेगा। नॉर्मल एक बैंक अकाउंट को जैसे आप यूज करते हैं वैसे ही इजी पे खाता भी बैंक अकाउंट को आप यूज कर सकते हैं। ये गया यहाँ पर पहला पॉइंट। दो नंबर पॉइंट है, यहाँ पर एक बैंक अकाउंट में जैसा आपका जो है अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड रहता है उसी तरीके से इजी पे खाता में भी आपका 18 डिजिट का एक अकाउंट नंबर रहेगा, आईएफएससी कोड रहेगा, यूपीआई आईडी रहेगा, यूपीआई क्यूआर कोड भी रहेगा। आप जो पहले यूपीआई क्यूआर कोड यूज करते थे इजी पे में कस्टमर के पास से पेमेंट लेने के लिए, अभी आप इजी पे खाता का यूपीआई क्यूआर कोड यूज कर सकते हैं कस्टमर के पास से पेमेंट रिसीव करने में। आप चाहे तो इस खाता से स्कैन एंड पे करके किसी दूसरे को पेमेंट भी कर सकते हैं। एक बार में आप 10,000 तक ट्रांसफर कर सकते हैं स्कैन एंड पे का यूज करके। हालांकि आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बट एक बार में आप 10,000 ही ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग तीन नंबर पॉइंट के ऊपर बात करेंगे में जो कि है डेबिट कार्ड। इस इजी पे खाता के साथ आपको एक डेबिट कार्ड दिया जाता है, मतलब कि एटीएम कार्ड दिया जाता है। सबसे बड़ी बात कि इस एटीएम कार्ड से आप किसी भी एटीएम से जो है बैलेंस विड्रॉल कर सकते हैं, मतलब पैसा निकाल कर सकते हैं, पैसा निकासी कर सकते हैं इस डेबिट कार्ड का यूज करके, या फिर एक नॉर्मल बैंकों का डेबिट कार्ड जैसे जैसे आप यूज करते हैं शॉपिंग करने के लिए या फिर कोई भी मॉल वगैरह में, ये सब में भी आप ये डेबिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। वैसे तो नॉर्मल बैंकों में जैसे चार्जेस रहते हैं आपके पैसा विड्रॉल करने का, कैश निकासी करने का एटीएम कार्ड से, उसी तरीके से इसमें भी आपको चार्जेस पे करना होता है। हालांकि अगर आप यस बैंक का एटीएम मशीन से पैसा निकालते हैं इस डेबिट कार्ड का यूज करके तो 5 ट्रांजेक्शन आपको फ्री दिया जाता है। जैसा नॉर्मल बैंकों में रहता है वैसा सेम यहां पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर यस बैंक का एटीएम को छोड़ करके अदर कोई एटीएम से आप पैसा निकालते हैं तो उसमें जैसे आपको नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में 3 ट्रांजेक्शन आपको फ्री दिया जाता है, उसके बाद जैसे भी चार्जेस लेता है वैसे भी यहां पर आपको चार्जेस लिया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस डेबिट कार्ड का आपको कितना लिमिट देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आप एक दिन में 1,00,000 तक निकासी कर सकते हैं एटीएम मशीन से और 5,00,000 तक आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं। तो समझ में आया, यहां पर 1,00,000 का आपको एक दिन का लिमिट दिया जाएगा और यहां पर अगर आप शॉपिंग करते हैं तो एक दिन में आपको 5,00,000 का लिमिट दिया जाएगा इस डेबिट कार्ड के साथ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 4 नंबर पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर 4 नंबर पॉइंट है कि अगर आप इस बैंक अकाउंट में इजी पे खाता अकाउंट में 5,000 रुपीज को मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं तो इसमें आपको 2.50% मतलब कि 2.5% के आपको इंटरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। अगर आप 5,000 को मेंटेन नहीं करते हैं तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी चार्जेस आपका नहीं काटेंगे और ना ही आपको इंटरेस्ट देंगे।
साथ ही यहां पर आपको बता दूं इस चार नंबर पॉइंट में कि इस बैंक अकाउंट में इजी पे खाता अकाउंट में आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेंगे, जैसे कि मंथली चार्ज, ईयरली चार्जेस, ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे जैसा अदर अकाउंट में होता है कि एसएमएस चार्जेस वगैरह लेते हैं, मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन ना करने का चार्जेस लेते हैं, ऐसा कोई भी चार्ज इजी पे खाता अकाउंट में आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे पांच नंबर पॉइंट के ऊपर। उसके बाद यहां पर पांच नंबर पॉइंट है कि इजी पे खाता में जितना भी आपका बैलेंस रहेगा, जितना भी आपका अमाउंट रहेगा, वो अमाउंट को आप मूव टू वॉलेट भी कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए इजी पे खाता अकाउंट में आपका 10,000 रुपीस है या फिर 1,00,000 है, तो आप उस अमाउंट को मूव टू वॉलेट कर सकते हैं। मतलब इजी पे खाता से पैसा डेबिट होकर के आपके इजी पे वॉलेट में आ जाएगा। वहां पर से भी आप इजी पे वॉलेट का जैसा सर्विस है, अदर सर्विस है इजी पे का, उन सारे सर्विस को आप यूज कर सकते हैं वॉलेट में बैलेंस लेने के बाद। सबसे बड़ी बात, वॉलेट लोड जैसे ही आप करेंगे, मतलब कि इजी पे खाता से जैसे ही आप मूव टू वॉलेट करेंगे, तो उस टाइम आपके अकाउंट से, आपके इजी पे खाता से पैसा डेबिट होकर के इजी पे वॉलेट में आ जाएगा। और ये बिल्कुल भी फ्री है, आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। ये ऑप्शन का सबसे ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जितना यहां पर डीएमटी करते हैं इजी पे का यूज करके। तो यहां पर डीएमटी वाले के लिए ये गुड न्यूज है, आप डीएमटी अगर आप भी करते हैं तो आपके लिए भी ये बहुत ही फायदेमंद होगा। उसके बाद हम लोग यहां पर आपको एक चीज बता दें जो कि नोट करने वाली बात है। आप यहां पर मान लीजिए कि कोई एक कस्टमर आया आपके पास एईपीएस से 10,000 विड्रॉल करने के लिए। मान लीजिए उनका 10,000 रुपीस आपने विड्रॉल कर दिया, उनका विड्रॉलिंग अमाउंट उनके बैंक अकाउंट से डेबिट होकर के आपके इजी पे वॉलेट में आएगा। ऐसे करके मान लीजिए एक दिन में आपने 10 कस्टमर का 10,000 रुपीस करके विड्रॉल किया, तो आपके वॉलेट में टोटल 1,00,000 रुपीस आ गया। अब आप इस 1,00,000 रुपीस को जो कि इजी पे वॉलेट में आपका पड़ा हुआ है, इसको आप मूव टू इजी पे खाता कर सकते हैं। मतलब इजी पे का वॉलेट बैलेंस को जैसे आप मूव टू बैंक करते हैं अपने अदर बैंकों में, वैसे ही आप इजी पे वॉलेट से मूव टू बैंक इजी पे खाता कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मूव टू बैंक आपको बिल्कुल फ्री किया जाएगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जैसे 5 रुपीस लगता है मूव टू बैंक करने का, वो आपको पे करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही बड़ा अपडेट इजी पे के तरफ से किया गया है। अगर आप वॉलेट बैलेंस से मूव टू इजी पे खाता करते हैं तो आपको फ्री कोई भी चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। और जैसे ही आप मूव टू इजी पे खाता कर लेते हैं, उसके बाद आप एटीएम से कैश विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा अपडेट इजी पे की तरफ से किया गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट के ऊपर। 6 नंबर पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट है कि फिजिकल एटीएम कार्ड यानी कि फिजिकल डेबिट कार्ड को कैसे ऑर्डर करें। बहुत सारा कॉल आ चुका है मेरे पास ऑलरेडी, फिजिकल एटीएम कार्ड को कैसे ऑर्डर करें इजी पे में। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर के दिमाग में यही है, बट आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि ऑनलाइन सर्विस हमेशा आपके लिए तैयार है। तो यहां पर मान लीजिए आप जैसे ही इजी पे खाता सर्विस को एक्टिवेट कर देते हैं, अब एक्टिवेट कैसे करना होता है मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे ही आप इजी पे खाता सर्विस को एक्टिवेट कर देते हैं तो आपका यहां पर यह खाता एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया 18 डिजिट का अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूपीआई आईडी और यूपीआई क्यूआर कोड, ये सारा कुछ आपको मिल जाता है। उसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा एटीएम कार्ड का यानी कि डेबिट कार्ड एक्टिवेशन का। जैसे ही यहां पर आप क्लिक करेंगे आपका डेबिट कार्ड एक्टिव हो जाएगा और डिजिटल डेबिट कार्ड जो कि स्क्रीन में आपको दिखा दिया जाएगा, डिजिटल जो डेबिट कार्ड रहेगा वो आपको उस टाइम ही स्क्रीन में दिखा दिया जाएगा इजी पे ऐप में। उसके बाद अगर आप फिजिकल एटीएम कार्ड यानी कि फिजिकल डेबिट कार्ड को ऑर्डर करना चाहते हैं, घर मंगवाना चाहते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन होगा ऑर्डर करने का, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। वैसे फिजिकल डेबिट कार्ड ऑर्डर करने का कुछ चार्जेस आपको पे करना होगा जो कि 199 या फिर उससे भी कम हो सकता है। अभी फिजिकल डेबिट कार्ड आप ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, कुछ दिन वेट कीजिए, नेक्स्ट अपडेट में आप फिजिकल डेबिट कार्ड को ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर इजी पे का सारा कुछ रेडी है, बस आरबीआई के कुछ यहाँ पर जो है नियम है उसी को फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट में आप इजी पे का फिजिकल डेबिट कार्ड भी ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर पॉइंट है टीडीएस फ्री। ये अकाउंट बिल्कुल आपको टीडीएस फ्री देखने को मिल जाता है। मान लीजिए कोई कस्टमर, कोई रिटेलर क्यूआर कोड से पेमेंट रिसीव करता है अदर कोई कंपनी में, तो वो क्यूआर कोड का पेमेंट वो कंपनी के वॉलेट में आता है। वॉलेट से उनको क्या करना होता है, मूव टू बैंक करना होता है। तो मूव टू बैंक जैसे ही कर लेते हैं वो उसका वहां पर ये टीडीएस के दायरे में आ जाता है, 2% टीडीएस के दायरे में आ जाता है। बट इजी पे का ये इजी खाता वाला अकाउंट आपको टीडीएस फ्री दिया जाता है।
क्यों TDS फ्री है? क्योंकि इसके मिडिल में जो है थर्ड पार्टी है EasyPay कंपनी। मतलब जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगा हुआ है, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा हुआ है, जो भी प्रूफ लगा हुआ है, वो EasyPay कंपनी का है। आप यहां पर बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हैं, TDS फ्री इसमें यूज कर सकते हैं, और EasyPay यहां पर थर्ड पार्टी है, इसीलिए आपको TDS फ्री देखने को मिल जाता है। जो भी यहां पर आप UPI वगैरह से पेमेंट लेंगे, जो भी आप QR कोड से पेमेंट लेंगे, वो आपको TDS फ्री देखने को मिल जाता है। उसके बाद इतने सारा कुछ में जो भी कमीशन EasyPay को मिलेगा, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ और मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी शेयर करेगा। तो जितने सारे लोग अपने रिटेलर वगैरह का EasyPay खाता एक्टिव करेगा, वो यहाँ पर उनको भी कमीशन मिलेगा। जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर किया जाएगा, उनमें भी कमीशन मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटर को भी। तो ये ही था सारा कुछ मैंने आपको बताया EasyPay खाता से रिगार्डिंग। अब इसको एक्टिव करने के लिए क्या करना होता है, एक्टिवेशन कैसे होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जितने सारे लोग UPI QR कोड को एक्टिवेट किए हुए हैं, जो QR कोड वाला सर्विस था EasyPay का, उसको अगर आप एक्टिवेट किए हुए हैं, तो आपको EasyPay खाता एक्टिव करने की जरूरत नहीं है, आपको डिफॉल्ट ही एक्टिवेट देखने को मिल जाएगा। अगर आपने पहले EasyPay UPI QR कोड को एक्टिवेट नहीं किया था, तो अभी आप EasyPay खाता को एक्टिवेट कर सकते हैं। अब एक्टिव करने के लिए जैसे पहले डिस्ट्रीब्यूटर मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर को कूपन्स खरीदना होते हैं, कूपन्स खरीदने होते थे एक्टिवेट करने के लिए, वैसे ही यहाँ पर कूपन खरीदने होंगे डिस्ट्रीब्यूटर को, तभी आप अपने रिटेलर का यहाँ पर EasyPay खाता को एक्टिव कर सकते हैं। अब कूपन कैसे खरीदना होता है, इससे रिलेटेड वीडियो हम लोगों ने पहले ही बनाया था, जिसमें आपको बताया था QR कोड को कैसे एक्टिवेट करना होता है। तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप देखिए और उस टाइप से आप जो है QR कूपन को बाय कीजिए। कूपन को बाय करने के बाद एक्टिव कैसे करना होता है, उस वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है। उसके बाद एक्टिव करने के बाद अब आपको एक PDF फॉर्म, जो कि डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो फॉर्म को फिलअप करके EasyPay को मेल करना होगा KYC डिपार्टमेंट में। अब इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना होता है, उसके बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, जो कि QR कोड वाला वीडियो है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए और वो फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। और जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन मैंने बताया हुआ था UPI QR कोड में, वो सारा टर्म्स एंड कंडीशन इसमें भी लागू होता है। मतलब आप जिनका डॉक्यूमेंट वगैरह फिजिकल वेरीफाई करते हैं, जिनको आप फिजिकल जानते हैं, उनका ही आप EasyPay खाता को एक्टिवेट करें, ठीक है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, आप देख लीजिए और उसी हिसाब से आप PDF फाइल, मतलब PDF फॉर्म जो है, उसको भी फिलअप कीजिए और कंपनी को मेल कर दीजिए, तो आपका EasyPay खाता आपके रिटेलर का एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूँ, जिनको आप फिजिकल जानते हैं, उसी का ही EasyPay खाता को आप एक्टिवेट करें। उस वीडियो में मैंने फुल टर्म्स एंड कंडीशन बताया हुआ है, आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको EasyPay खाता से रिलेटेड सारा डाउट जानकारी आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है आपका, नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। और EasyPay के साथ जुड़ने के लिए आप हम लोगों को व्हाट्सअप करें। EasyPay का रिटेलर ID बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में ले सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर ID आप 499 rupees में ले सकते हैं। हम लोग ऑफर आपको दे रहे हैं, 499 में ले सकते हैं और अनलिमिटेड आप रिटेलर्स बना सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो अपने तरफ से एक लाइक ज़रूर कर देना और इसी तरीके का वीडियो के लिए हम लोगों के साथ बने रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।